नमर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? यार तो आगे हम एक खतरनाक वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम हैं मौलवी साहब और अता भाई, मतलब नस्वार खान और जख्मी आशिक भाई। मतलब जख्मी आशिक भाई तो मतलब ना हो तो फिर मज़े ही नहीं आता ना, समझा करूँ। मतलब वो हमारे जैसे इंसान है, मतलब खुशबूदार खतरनाक। तो आगे थे अरब लूबी के अंदर, बुरा लग रहा था। खैर पहली बात तो यार, कंग्रेचुलेशन टू मी फॉर म्यूथिक पेशेंट सस्ता वाला, सिर्फ आर पी के म्यूथिक्स वाला। खैर खैर गाइज, तो ये लूबी थी खतरनाक, मतलब सही वाली खतरनाक। हमने बोला कि जाऊँ मड़ा, पहले इतना मजा शॉट हो गया, तो फिर जिस मैच के अंदर जा रहे थे, आखिर के अंदर हम मर रहे थे कैंपरों से। क्योंकि सीजन जो होते हैं ना, इन खबीसों को सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग करना आते हैं, मतलब और कुछ नहीं। तो हमने बोला चलो यार, पूछूंगी चलते, देखी जाएगी। उधर वैसे वो था, वो गोल सुराख बना हुआ था ना, तो उधर मतलब जहाँ लूट ज्यादा होती है वो सुराख, समझ रहे हो ना तुम लोग? नहीं, खैर जा रहे थे। अब देखते, आज हमें लग रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी वैसे सऊदीया के अंदर बहुत हो गई है भाई। मैन पसीने के अंदर जो है ना, पसीने जो है ना टखनों तक आ गए, मतलब इतने ज़्यादा पसीने हो गए मतलब गर्मी की वजह से, समझ लो। अरे ममालिक है ना, अब क्या कर सकते, ज़मीनों के अंदर से तो तेल निकलते हैं इन लोगों का, तो हम ऊपर कोयलों की तरह जल रहे होते हैं। खैर आज इन सारे लोगों को आज कुल्फी खिलाएंगे हम अपने पैसों से, मतलब अपनी जेब के पैसों से इन सारे एनिमीज को हम कुल्फी खिलाएंगे। आजू यार, इधर इतने लोग आए हुए थे ना, इतने लोग कि हम बता ही नहीं सकते कितने लोग। लेकिन हमने पहले इन लोगों को बोल दिया था कि यार देखो, मरना नहीं है, कुछ भी हो जाए मरना नहीं है, खत्म, छड़े फाड़ दो लेकिन मरो नहीं। हमने उठा लिया था वो ऊटू रिकाल वाला इंसान जो था, हमने ये स्कैरेब चार्म जो था हमने उठा लिए। अब हमको मतलब मरने का टेंशन नहीं है, मतलब इतना। आज यार गैस पुश करते हैं, मड़ा पैर कराओ यार भाई, मन छे इधर से एक स्क्वाड को मार दो तो पूरा मैच घूमना पड़ जाते हैं, मतलब पैदा नहीं है। आजू डायरेक्ट पुश करते हैं, खत्म। इसको देखो लगता है बीच के ऊपर आया हुआ है, पूरी परफेक्ट बर्फ। किधर मम्मी सूट जाऊ माना, तुमको हम सूरी थोड़ी ना बोल रहे थे। खान साहब इज़ ऑन फायर, कितने बंदे लिपटा दिए हमने यार। अल्लाह हु अकबर, खान साहब इज़ ऑन फायर। मतलब हमने अभी फिलहाल, मतलब आते साथ ही चार बंदों को कुल्फी खिला दी। कौन से तरीके से खिलाई है ये मत पूछना, लेकिन बस खिला दिए। खैर यार, हमने गैस पता है क्या सोचे, हमने ये सोचा है ना कि अब हम मतलब बेशक वीडियो 10 मिनट से कम क्यों ना बन जाए, लेकिन हम मतलब उस जगह के ऊपर सिर्फ कमेंट्री करेंगे ना जहाँ पर फाइट हुई होगी। क्योंकि यार इंग्ल ऐसा मुल्क है ना कि मतलब जहाँ पर उतर तो जाओ, लूट करते रहो, उसके बाद फिर बंदे नज़र नहीं आते, बंदे ढूंढते रहो, ये तो अजीब। इधर इसको देखो, नहीं बाप की वली में के ऊपर जा रहे थे क्या, एक घर छोड़कर दूसरे घर, अजीब वो गरीब शहनशाह बंदे तुम यार। खैर पूरी अरब लूबी थी जिसकी, अगर इधर हमारे पास ग्रेनेड होता ना, वो देखो कुपड़िया नज़र आ रही है उसकी पैमान, अगर इधर हमारे पास ग्रेनेड होता ना, ऐसे बम मारते ना इसके मुँह के ऊपर, मजे। अल्लाह अकबर भाई, सूरी यार सूरी भाई, मजाक कर रहे थे हम भाई, तुम तो सीरियस ही हो गए। अल्लाह अकबर, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले। आजो भाई आजो, हम हमारी जान खतरे यार। हाय मौलवी साहब, हमारे कदमों के ऊपर लोगों को नोक नहीं किया करो मना, हम सोचित पूरी परफेक्ट पर आ गए। हमको पता है कि अरब लोग जो है वो पी को बी पढ़ते, लेकिन खैर ये नहीं था पता कि ये लोग लिखते भी बी है। खैर थैंक यू सो मच जख्मी भाई, अगर तुम ना होते तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती। वो देखो हमारा छोटा कुत्ता जो नहीं, वो किसका कुत्ता था फिर, हमारा कुत्ता तो यहाँ खड़ा है, वो किसका कुत्ता है मतलब? ओ अच्छा समझ गया हम। इधर पता नहीं कितने लोग यार छतों के ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे टाइम के ऊपर, और वो नहीं मरते। मतलब अगर हम छतों के ऊपर चढ़ जाए ना, तो फिर लोग सबसे पहले हम कोई पकड़ कर रगड़ते हैं, मतलब यार ये तो कोई इंसानियत वाली बात नहीं हो गई ना। मतलब यार छतों के ऊपर नहीं चढ़ा करो, देखो इंसानों की तरह पैट किया करो तो अच्छा लगता है ना। अगर अब तुम ये वो देखो, ऊपर से पार्सल आ गया एक, ये देखो लेफ्ट, अब हमने देख लिया इसको, लेकिन अब हम क्या करें। जख्मी भाई देख कर ऊपर बंदे छत के ऊपर बंदे माड़ा। जख्मी भाई बोला भी था यार छत के ऊपर बंदे। मौलवी भाई प्लीज कुछ कर लो यार, मौलवी भाई तुमसे हमारी कौम की उम्मीद है,
تو شاہین کی دعائیں ہوا کرتی ہیں, نہیں شاہین کی ہوائیں دعا کرتی, ماڑا جو بھی ہے خیر, لیکن مولوی بھائی مرنا نہیں اس کر. مولوی بھائی یو کین ڈو اٹ, مولوی بھائی یو کین, لکھ لعنت مولوی بھائی, مار دو یار, مار دو مار دو. آئیں گے دوبارہ, ہم آئیں گے اور تمہارے چھڈے پھاڑ کے تم کو آئس کریم کھلا کر ہی جائیں گے, یہ مت پوچھنا کہ کہاں سے, بس لیکن کھلائیں گے. اتر رہے اتر رہے اتر رہے, آ رہے آ رہے آ رہے. اب دیکھو یہاں سے تو اب ہم ریکال ہو گئے ٹھیک ہے, لیکن اب ہم کہاں جائیں؟ پورا میچ اب انسانوں کو ڈھونڈتے رہو. خیر اب ہم ملاقات کریں گے وہاں پر, جا پر پیٹو. خیر ہم سب کا جو تھا وہ ریکول ختم ہو گیا تھا, تو آتا بھائی کو تو ابھی تک بلایا بھی نہیں ہے, خیر وہ فائدہ بھی نہیں ہے. نہیں نہیں آتا بھائی, آئی ایم سوری, آئی ڈنٹ مین دیٹ, بٹ مطلب بلاتے بلاتے, ٹینشن نہیں لو ٹینشن نہیں لو. میرا سامان لو ہے نا, کیا کروں؟ زخمی بھائی مطلب یہ کیسا سوال تھا یار آپ کا؟ خیر نہیں نہیں اب کھانسنے کی ضرورت نہیں ہے, اب کھانسنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ بول لیے مطلب, اور اب دنیا نے بھی سن لیا. خیر گائز آپ لوگ آئی نو کہ آپ لوگ کو ایسی گیم پلے چاہیے جس پہ خان صاحب جو ہے وہ لائیو بات کرے, مطلب جیسے ہم پہلے ویڈیو وغیرہ بناتے تھے, لیکن یار اس کا مطلب تھوڑا سا ایک سین ہے نا گائز, سمجھا کرو یار پلیز, مطلب تم لوگ تو سمجھدار ہو نا یار, سمجھا کرو. ایسا بات ہے نا کہ گرمی اتنا ہے نا کہ ہمارا پھٹ گیا مطلب آنکھیں, بےمان ہم جھوٹ نہیں بول رہے, اب ہمارا واقعی پھٹ گیا ہے, مطلب تھوڑی دیر اگر ہم پنکھا یا اے سی بند کریں نا تو ہمارا آئی پیڈ تندور سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے, کہ مطلب اگر تندور میں ایک روٹی لگاؤ اگر وہ مطلب پانچ منٹ میں پک رہی ہے نا تو ہمارے آئی پیڈ کے اوپر وہ روٹی پانچ سیکنڈ میں پکے گی, سمجھ رہے ہو؟ تو خیر یہ تھوڑا سا مشکلات ہے جس کی وجہ سے ہم لائیو کمنٹری کے ساتھ ویڈیو تھوڑا سا نہیں بنا رہے آج کل, لیکن انشاءاللہ سردیوں میں بنائیں گے, مطلب نہیں مطلب اتنا بھی ضرور بات نہیں ہے, لیکن خیر بنا دیں گے یار بنا دیں گے. کمنٹ کرو اگر آپ لوگ کو چاہیے, آپ لوگ کے لیے ہم گرمی میں بیٹھ جائیں گے, مسئلہ نہیں ہے. اب آپ لوگ بولو گے خول سب اے سی پنکھا لگا کر کمنٹری والا بنا لو, یار وہ پتہ سین کیا ہوتا ہے پھر؟ اصل میں جب کمنٹری والا ویڈیو جو ہوتا ہے نا, آئی پیڈ کا مائک ریکارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے, ٹیم میٹس کا بھی مائک ریکارڈ ہوتا ہے, تو پھر ساتھ جو مائک میں شور ہو رہا ہوتا ہے نا پیچھے پنکھے کا یا پھر اے سی کا یا پھر کسی بھی چیز کا, تو وہ بہت زیادہ آتے ہیں, پھر ایڈیٹنگ کرنے میں ہم کو مشکلات پیش ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے ہم جو ہے نا پنکھا او اے سی شی سی بند کر کے پھر ویڈیو وغیرہ بناتے, تو آئی پیڈ کو تو ہم ٹچ نہیں کر پاتے, وہ بیچارہ بولتے کہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور آئی پیڈ کا تو اگر 30 منٹ کا ایک گیم پلے ریکارڈ کروں تو پیمان وہ گیم پلے کا سیز جو ہوتا ہے نا وہ 7 یا 8 GB تک پہنچ جاتے ہیں, مطلب ہم کیا کریں اب, مطلب ہم بہت کشمکش کے اندر پڑ گئے, مطلب اب ہم کیا کریں. اتا بھائی مولوی بھائی او زخمی بھائی ارشاد فرمایا ہم نے, مطلب عرض کیا ہے, مطلب آئیو جو بیٹھو پہلو پہلی گاڑی کے اندر بیٹھو پھر ہم عرض کرتے, مطلب عرض کیا ہے کہ ہمارے سارے دوست من کے سچے, آہا ہمارے سارے دوست من کے سچے, عربی کیمپ پر کھوتے کے بچے, مطلب خیر گیز تو ہم جا رہے تھے ابھی, وہ جو انسان جا رہے ہیں نا ہوا کے اوپر, اس کے اوپر جا رہے تھے ہم نے بولا کہ یار چاچا رک جاؤ, عطا بھائی کو آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں ہم, یار عطا بھائی بیٹھ جاؤ مڑا, تو بیٹھتے نہیں ہو پیمان, ہائے ہائے ہائے, اسے کہتے ہیں پرفیکٹ لینڈنگ, مطلب نہیں پرفیکٹ اوپر جانا, اوپر جانے کو خیر نیچے اترنے کو تو لینڈنگ کہتے ہیں نا, تو اوپر جانے کو کیا کہیں گے انگلش کے اندر؟ جلدی جلدی سے بتاؤ کمنٹ کے اندر, یہ پتہ یہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے کمنٹ کروانے کا, تم لوگ نہیں سمجھو گے لیکن پروفیشنل یوٹیوبر سمجھتے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اگر تم لوگوں نے ہماری طرح پروفیشنل بننا ہے نا تو یہ چھوٹی ٹپس اینڈ ٹرکس ہم سے سیکھ لیا کرو, تم لوگوں کا فائدہ ہوگا پھر آگے جا کر. خیر تو آگے ہم پیرون کو پیرون کی آتما رولنے کے لیے, پچھلے میچ کے اندر تو ہم اوپر گئے تھے تو پہلی انیمیز جو تھے وہ آتما رول رہے تھے ان کی, تو خیر مزہ نہیں آیا تھا, چس نہیں آئی تھی, تو اب ہم جا رہے رولنے کے لیے. A few moments later. پیرون کی آتما رولنے کا ٹائم آ چکا ہے, پیرون بھی سوچے گا کہ ہم لیٹے ہوئے اچھے تھے, خان صاحب لوگ اور خان صاحب لوگ کی گنگ شنگ آئے تو ہم کو اٹھنے نہیں چاہیے تھا, ہم کو ایسی خاموشی سے لیٹ جانا چاہیے تھا, ہمارا بہتر ہوتا اس میں, لیکن نہیں یہ دیکھو دنیا جہان کے لوگ یہ گلچ کرتے لیکن ہم ہمارے بارے میں نہیں ہوتا, عجیب مطلب پیمان یار. خیر جب پیرون آئے تو پھر M249 تو اٹھانا جو ہے وہ حق بنتا ہے ہمارا, یار بھائی تم پہلے کر دو, نہیں نہیں تم کر لو یار, چیخ کہہ رہے ہو بے, اتنا شور کہہ بچائے ہوئے, مطلب دیکھیے اس کے چھاتی چھاتی پہ گولیاں مار رہے ہم,
था भाई के पास, वो है तो जा रहे जैसे था भाई उसे कहीं कर्ज लिया हुआ था। क्या 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 उसी रुपये क्या इसको देखो कुल ला बेचारे इच्छा तो थोड़ा तो मतलब कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ यार ताकि हम तुम्हारी आखिरी इच्छा को दिखा सके। मतलब जाऊँ मैं तुम लग रहा है कि पीछे लगा हवा पीकूंगी और को लपेट लूंगी अपनी हवा के अंदर ऐसे थोड़ी ना होते। जफी भाई हमारे मुंह के सामने से बना नवाला छीना है आपने पैमान। नहीं माजरत की बात ही नहीं रहती ना अब इसके बाद तो, ये तो कोई बात नहीं होती। नहीं नहीं रख लो रख लो रख लो तुम रख लो यार। नहीं नहीं बस नहीं यार तुम रख लो यार, ये जान हाजिर होने वाली बात तो सिर्फ बहाना होती है। मतलब समझो तुम मतलब ठीक हो गया यार। अच्छा अच्छा चलो आया और नीचे चलते यार, पहली जोन के अंदर है हम। पता नहीं ये लोग उतारेंगे भी तो कहा। यल्ला खैर भाई जोन देखो ये क्या। ओ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, यही तो बात थी ना अभी जो हमने थोड़ी देर पहले की कि अगर बंदा उतारता भी है तो मतलब जोन के करीब बेशक उतार दो लेकिन ब्लू तूफान के अंदर तो नहीं तो उतारूना। यार रहता भाई तो ग्लाइड करो ना, आ गया हूं ना यार, ये क्या बात है। बात तो आपकी सही है, मैंने भी सोचा है। या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन, यार आप लोग कैसे आगे चले गए हो ग्लाइड करके यार जख्मी भाई। सर हम जीटीए के प्रो प्लेयर हैं, पबजी बच्चे खेलते हैं। अच्छा पबजी बच्चे खेलते तो फिर देखो कौन खेल कौन रहा फिर यार। इसीलिए तो कुछ लोग है जो अभी तक हमारी रेस नहीं खेल रहे, उनको पता है एक बार गए तो वापस नहीं आएंगे। यार जख्मी भाई क्यों बेइज्जत करते हो बात बात पे भाई, खेल लेंगे भाई, मुझे भाई, ले जाओ। भाई लेने आ जाओ यार, एक सेकंड एक सेकंड, गाड़ी तो ढूंढने दो ना, आप गाड़ी ढूंढने दो उसके बाद। मुझसे भी दूर है यार। अच्छा भाई आ रहे हम आ रहे, कोई नहीं मरेगा हमारे जीते जी, कोई नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। तुम देखो तो सही, बस हम सारों को करो यार, हम जलील हो रहे हैं जोन में और आपको परवाह ही नहीं है। यार जख्मी भाई हमें परवाह है इसलिए तो हम जा रहे हैं ना गाड़ी लेने के लिए, वरना हम जाते गाड़ी मेरे तक गाड़ी नहीं पहुंचती, मैं तो जहाज पहुंचेंगे। मैं आइलैंड किस तरफ हूँ यार, तुम आइलैंड की उस तरफ क्या, अगर तुम सैम्फो के बुट कैंप में भी क्यों ना होते हम तुमको लेने आते। आगे बोलो भागो, भागो। हम आएंगे हम आएंगे। अच्छा भाई उतरो 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 उतरो, अब भागो जून भागो, इंशाल्लाह हम देखेंगे, हम मर्द मुजाहिद देखेंगे। जख्मी भाई को हम अकेले नहीं छोड़ सकते ऐसे मौत के घाट, या हमें या फिर जख्मी भाई है मतलब, या हमें बल्कि यह जोन है फिर। जख्मी भाई ऐसे मोटरसाइकिल थी तो फिर आए क्यों नहीं। और ये मेरा जो हैवी ड्राइवर है ना यार जख्मी भाई, एक तो हम तुमको बचाने आए थे और ऊपर से यार बस ठीक है जख्मी भाई। नहीं नहीं बस अच्छा बंदा अच्छा बंदा, वो अलग बात है आता भाई साहब के दोस्ती ज्यादा हो गई है, सी सुपारी ले ली है। आता भाई ने हमको सुपारी नहीं हमको नस्वार दी थी, तुमको लगता है कि हम सुपारी वाले इंसान है, डायरेक्ट कराची वाले बना दी तुमने हमको पैमान। सुपारी नहीं हम डायरेक्ट नस्वार खाते, डायरेक्ट नस्वार। लमरगनी की आवाज आई, लगता है ये वही अरबी स्क्वाड है। जख्मी भाई नहीं जाओ ना जख्मी भाई, यार जख्मी भाई रगड़ दिए जाओगे वो। यार जख्मी भाई किसके हाथ रगड़े गए हो यार, ये नाम देखो इसका। भाई बंदा मारो नहीं मारना, कैसे मार जाऊं मना। जख्मी भाई को हाथ लगाया मतलब हमारे हमारे यार। जख्मी भाई जख्मी भाई हमारे, टेंशन नहीं लो टेंशन नहीं लो जख्मी भाई। आता भाई ओपन में कौन रिकॉल देता यार। अच्छा वाह वाह, वो देखो जा भी आता भाई उधर रहे, जा पर दीवार ही नहीं है मतलब दरवाजा। मैं थोड़ी किया, खान साहब ने किया, क्या होगा। तो वही तो मैं समझा रहा हूँ मैं यार जख्मी भाई, कि सही टाइम पे जब पिक करना होता है आप पिक करते नहीं हो, ओपन में रिवाइव कर रहे हो। जब रिवाइव करना होता है आप पिक कर लेते हो। यार आता भाई का थोड़ा सा सिस्टम उल्टा सीधा है, क्या कर सकते हैं यार। खैर जो भी बेचारे मतलब कोशिश तो करते हैं ना, कोशिश करते हैं और क्या, और क्या चाहिए। खैर अब ये सारी जिंदगी इधर ही लड़ते रहेंगे। एक सेकंड इसको देखो, किधर जा रहे हो भाई, किधर जा रहे हो, किधर। नूब हूँ यार वैसे, वाकई नूब थे तुम भी। एक और गुलाब जामुन प्लीज, कोई ये खा ले, बीखी शुगर फ्री गुलाब जामुन था ये, खा लू खा लू खा लू खा लू खा लू। नहीं यार लगता है कोई हमारा गुलाब जामुन पसंद। अच्छा भाई दीवार पे उसी चला रहे हो, अल्लाह माशाल्लाह। बस खत्म है ये तो, ये बंदा खत्म है हमारे हाथों से, टेंशन लो
या आर या पार किधर मिस्टर राणे किधर किधर जा रहे थे? जख्मी भाई को पुरस्त से शॉट देकर मतलब किधर जा रहे थे? ऐसे तो नहीं होता ना, ये तो किसी किताब में भी नहीं लिखा कि जख्मी भाई को तुम मारोगे और हम देखते रह जाएंगे तुमको। क्या हूँ मना? वाह यार था भाई, खुदा की कसम खिड़की में सामने खड़े हो यार था भाई, भाई लेजेंड खिड़की में क्यों थे जब आपको मालूम है कि आगे बंद है? लेकिन क्या चीख निकली है माशाल्लाह। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, पुश 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 पुश, अब कोई मजाक ही नहीं चल रहा इधर। एक सेकंड तुमको बताते हैं, अब हम खबीस इंसान तुमने वखरा इंसान किधर किधर नहीं मतलब किधर ये गया किधर भाई? जाऊं मारा गपे, ओला हमने उसी को मारा जिसने जख्मी भाई को मारा था। गपे मजाक चल रही इधर, जख्मी भाई को हाथ लगाओगे और तो बच जाओगे हमारे हाथों से। ऐसे तो किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ। खैर चलो गाइस, अगर वीडियो का मजा आया मतलब तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों लोगों के साथ भी शेयर कर देना। अच्छा तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तक झूठ का पलड़ा भी भारी है, तब तक हमारा लड़ना भी जारी है। लोगों को है मसला जो रखी मैंने दाढ़ी है, तरस से तू डिस्को मैंने बिना कहे फाड़ी है। मिलता मैं सबसे अलग रहूं सबसे, बोलना सीखा जब से मुखाड़ा हूं तब से। याद नहीं सबक पर याद मुझे सड़के, कहीं का ना छोड़ेंगे देख ले तू लड़के।